राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर में कैंसर बीमारी के निदान और चिंतन के लिए ज्ञान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली के सौजन्य से केमिकल, बायोकेमिकल एंड एनवायरमेंटल कैंसर की समस्याओं पर आधारित एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम में विदेशों से आए हुए मेहमान प्रोफेसरों ने चर्चा की। कोर्स समन्वयक डॉक्टर पमिता अवस्थी ने बताया कि एक सप्ताह के कार्यक्रम में विदेश से विशेषज्ञ आकर कोर्स के बारे में विस्तार से जानकारी मुहैया करवाएंगे। उन्होंने बताया कि कैंसर बीमारी से निपटने के लिए किस तरह काम किया जाए, इस पर विशेष तौर पर कारणों और उपचार पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT हमीरपुर में कैंसर बीमारी के निदान और चिंतन के लिए ज्ञान कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली के सौजन्य से केमिकल, बायोकेमिकल एंड एनवायरमेंटल कैंसर की समस्याओं पर आधारित एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम में विदेशों से आए हुए मेहमान प्रोफेसर ने चर्चा की। इस अवसर पर विदेशी मेहमान डॉक्टर बुहोग ने विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। भारत सरकार द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर ज्ञान, उसके अंदर ये एक सप्ताह का प्रोग्राम है जिसमें कि हम फॉरेन से एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं और एक एक प्रॉब्लम पे बेस्ड ये सप्ताह भर का कोर्स चलता है। और इस कोर्स में हमने हमारी जो प्रॉब्लम डिफाइन की है और जिसमें हमारा जो फॉरेन एक्सपर्ट हैं जो लॉरेंस बर्कले नेशनल यूनिवर्सिटी से हैं, लेबोरेटरी से हैं सॉरी, उनके साथ हमारी डिस्कशन हुई हैं और वो एग्री किए हैं। Basically, it is regarding cancer, the chemical, biochemical and environmental issues related to cancer and solution addressing the problem. And the cancer is presently a main cause of a concern in our country specifically. So, 6 days ke is program ke under, uske reasons kya hai, kyun hota hai, kis liye ho raha hai, kya regional problem hai, क्या वर्ल्ड वाइड इश्यूज़ हैं और हम किस तरह के सॉल्यूशंस जो हैं प्रपोज कर सकते हैं ताकि हम इस जो ये बीमारी है जो कि एक तरह की महामारी के रूप में आ रही है उसको काउंटर कर सकें। हमारे पास 55 लोग रजिस्टर हुए हैं, उसमें से हमारे 30 जो है रजिस्ट्रेंट्स जो हैं वो बाहर से आए हैं जिनमें कि NIT से स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटीज नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं। सो एंड रेस्ट ऑफ द 25 पार्टिसिपेंट्स आर अवर ओन स्टूडेंट एंड फैकल्टी। कोर्स समन्वयक डॉक्टर पमिता अवस्थी ने बताया कि एक सप्ताह के कार्यक्रम में विदेश से विशेषज्ञ आकर कोर्स के बारे में विस्तार से जानकारी मुहैया करवाएंगे। उन्होंने बताया कि कैंसर की बीमारी से निपटने के लिए किस तरह काम किया जाए, इस पर विशेष तौर पर कारणों और उपचार पर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, K चैनल।